नमस्कार साथियों, कैसी है आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस देश में कुत्ते की पूजा की जाती है। आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, बी मलेशिया में, सी भारत में, डी नेपाल में। आपका सही जवाब होगा डी नेपाल में। आपका दूसरा सवाल है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 5 रंग, बी 7 रंग, सी 8 रंग, डी 10 रंग। आपका सही जवाब होगा बी 7 रंग। आपका तीसरा सवाल है, भारत में आधार कार्ड की अवधि कितनी होती है। आपका ऑप्शन है ए 100 वर्ष, बी 200 वर्ष, सी 300 वर्ष, डी लाइफ टाइम तक। आपका सही जवाब होगा डी लाइफ टाइम तक। आपका चौथा सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए लौंग, बी अदरक, सी इलायची, डी लाल मिर्च। आपका सही जवाब होगा सी इलायची। आपका पांचवा सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य में, बी उड़ीसा राज्य में, सी असम राज्य में, डी जम्मू कश्मीर में। आपका सही जवाब होगा ए कर्नाटक राज्य में। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 6, ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था। आपका ऑप्शन है ए 15,000 मजदूरों ने, बी 20,000 मजदूरों ने, सी 25,000 मजदूरों ने, डी 30,000 मजदूरों ने। आपका सही जवाब होगा बी 20,000 मजदूरों ने। आपका सातवां सवाल है, केदारनाथ मंदिर कहाँ है। आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड में, बी बिहार में, सी उत्तर प्रदेश में, डी राजस्थान में। आपका सही जवाब होगा ए उत्तराखंड में। आपका आठवां सवाल है, अंगूर की खेती के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी इंदौर, सी नासिक, डी असम। आपका सही जवाब होगा सी नासिक। आपका अगला सवाल है 9, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा बी केरल। आपका दसवां सवाल है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बमढूढ़ना सिखाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए डॉट बंदर को, बी बाघ को, सी मधुमक्खी को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी मधुमक्खी को। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 11। दुनिया में सबसे अधिक सुअर पालने वाले देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान देश, बी भारत देश, सी अमेरिका देश, डी चीन। आपका सही जवाब होगा डी चीन। आपका अगला सवाल है 12। बैंक को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पैसा जमा करने का स्थान, बी पैसा बैंक, सी लाकर, डी अधिकोष। आपका सही जवाब होगा डी अधिकोष। आपका अगला सवाल है 13। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका ऑप्शन है ए टेबल टेनिस, बी तीरंदाजी, सी गोल्फ, डी बुल फाइटिंग। आपका सही जवाब होगा ए टेबल टेनिस। आपका अगला सवाल है 14। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख कला है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है 15। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी सूर्य, सी पृथ्वी, डी शनि। आपका सही जवाब होगा बी सूर्य। आप सभी लोग रोजाना ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका अगला सवाल है 16। पृथ्वी के अंदर खनिजों की खुदाई को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए खेती करना, बी वन विज्ञान, सी खनन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी खनन। आपका अगला सवाल है 17। श्री कृष्ण भगवान ने किसका वध किया था? आपका ऑप्शन है ए रावण, बी कंस, सी दुर्योधन, डी कर्ण। आपका सही जवाब होगा बी कंस। आपका अगला सवाल है 18। तोते की तरह के फिरना मुहावरे का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, बी किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, सी दोस्त के साथ विश्वासघात करना, डी बिना सोचे समझे निर्णय करना। आपका सही जवाब होगा ए पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। आपका अगला सवाल है 19। भैंस किस देश की राष्ट्रीय पशु है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी डोमिनिका देश। आपका सही जवाब होगा डी डोमिनिका देश। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है भगवान हनुमान जी सबसे बड़े किस भगवान जी के भक्त थे? आपका ऑप्शन है डॉट ए राम जी, बी लक्ष्मण जी, सी शंकर जी, डी कृष्णा जी। आपका सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।